सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना ईमेल आईडी, पुराना ईमेल आईडी को रिकवरी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपने ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा अदर अकाउंट। अदर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अदर अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ देर सर्च लेगा, तो वेट कर लेते। उसके बाद आपको गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद थोड़ी देर के बाद इस तरह का आपको सर्च ले लेता है। चलिए वेट कर लेते। यहाँ पर आपको अपना ईमेल, पुराना ईमेल वापस लाना है तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड ईमेल पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड ईमेल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ देर सर्च लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पुराना ईमेल या पुराना ईमेल का फ़ोन नंबर डालना है। तो दोस्तों, पुराना ईमेल आईडी का फ़ोन नंबर या पुराना ईमेल आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे पहले अपना पुराना ईमेल डाल लेता हूँ। ईमेल डालता हूँ यहाँ पे, ईमेल डालने का। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का फर्स्ट नेम डाल देना। फर्स्ट नेम जैसे आप डालोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का लास्ट नेम डाल देना। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का लास्ट नेम डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लिख रहे हैं नो अकाउंट फाउंड। तो दोस्तों आपका पुराना अकाउंट समझ लो कि डिलीट हो गया हमेशा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, पुराना अकाउंट हमेशा के लिए रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे रिकवरी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दिस माई टेक फोन मिस्टर। तो उसके बाद यहाँ पे वेट कर लेते हैं। थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मेरा ईमेल आईडी आ चुका है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म द योर इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर इमेज आप पर टिक लग जाता है सही तो ठीक है, आपको ईमेल आईडी रिटर्न आ जाएगा। या नहीं टिक लगता है, अगर आपको इमेज वाला ऑप्शन दे रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लो कि आपका अकाउंट वापस नहीं आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे भी यही प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपना पुराना ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर पाता हूँ।